ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आना रे। नमस्कार दोस्तों, मैं संगम पांडे और मेरे YouTube चैनल हैप्पी टीचर्स ब्लॉग में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज मैं पार्क में जा रही हूँ और सब जानते हैं हमारे देश में रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। यूपी, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, दिल्ली, न जाने कितनी लड़कियां बलि चढ़ रही हैं। आखिर ये घटनाएं कम क्यों नहीं हो रही हैं? मैं पार्क में आई हुई हूँ। आप देख सकते हैं पूरा पार्क बिल्कुल ही खाली पड़ा है। और एक टाइम था जब बच्चों से चहकता रहता था पार्क, और आज नहीं है। बेटा मेरा मुद्दा है, सिर्फ आपको पता ही चल गया होगा, मैंने लोकेशन इसीलिए चेंज की है ये बताने के लिए कि आप देख सकते हैं आजकल लोग छोटी छोटी बच्चियों को भी पार्क में अकेले नहीं भेज रहे हैं। जब मम्मी या पापा दोनों में से कोई एक फ्री होता है तब हम बच्चे को खेलने के लिए ही लाते हैं, अपने साथ ही लाते हैं और अपने साथ ही ले जाते हैं। और एक टाइम था कि जब हम लोग वैसे ही छोड़ देते थे अपने बच्चों को, जाओ बेटा पार्क में खेल लो, और बच्चे खेल के घर आ जाते थे। लेकिन अभी हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा माहौल हमारे देश का ख़राब हो चुका है। मैं चाहूँगी कि एक अच्छा इंसान बनो, किसी की बहन बेटी की इज्जत करना सीखो, सबसे पहले इज्जत करना सीखो बेटा। मैं यही कहूँगी सबसे, आप लोगों से, बच्चों से भी यही कहूँगी, और जो बड़े भी हमारे, ऐसे बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें छोटी लड़कियाँ, छोटे छोटे बच्चों को भी लोग नहीं छोड़ते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। और आज मैं एक और मुद्दा उठाना चाह रही हूँ बच्चों के कपड़े के बारे में। हमेशा लड़कियों के कपड़ों के बारे में ही क्यों कहा जाता है? अरे लड़कियां हैं, उनको भी, वैसे तो आप कहते हो इंडिपेंडेंट बनो, आत्मनिर्भर बनो और जो मर्जी करो, अगर लड़कियों ने कपड़े पहन लिए तो कपड़ों में क्या बुराई होती है? आप कपड़ों के लिए बार बार ऐसे क्यों बोलते हो? क्या एक छोटी सी बच्ची है हम उसको साड़ी पहना के रखेंगे? क्या हम उसको सूट पहना के रखेंगे? छोटी जो लड़कियाँ हैं वो भी सेफ नहीं है हमारे देश में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इसमें ज़्यादातर केसेस जो होते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उनके ही होते हैं। और हम अपने, जब बच्चा आपसे बोलता है ना, तो आप उसको ना इग्नोर कर देते हो। आप कभी भी छोटे बच्चों की बात या बड़े बच्चों की बात, अपने बच्चों की बात इग्नोर मत कीजिए। और जो बच्चा आपका, आपको बता रहा है उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर वो गुमसुम रह रहा है, तो प्लीज़ आप पेरेंट्स होने के नाते आप उसको जानने की कोशिश कीजिए। और गुनाहों को, किसी के गुनाहों को पे पर्दा मत डालिए। इसमें बच्चे का या लड़की का कोई दोष नहीं है। आप अपने बच्चे की साइड लीजिए और अपने बच्चे की तरफ, क्योंकि बच्चा सही बोलता है हमेशा, छोटे बच्चे कभी भी गलत नहीं बोलते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप किसी और को प्रोटेक्ट मत कीजिए, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको अपने बच्चे से सगा आपके लिए कोई और नहीं है। तो मैं आज का मेरा यही वीडियो है और यही मेरा संदेश है कि जो ये युवा पीढ़ी और भी जो लोग भटक रहे हैं वो अपने रास्ते पर आएँ और हमारे जो देश है उसको एक अच्छी दिशा में लेके जाएं। मैं यही कहना चाहूँ, इन दोषियों को जल्द से जल्द सज़ा होनी चाहिए। और जो भी इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहना चाहूँगी उनसे कि आपकी बेटी भी ऐसे आ सकती है कभी चपेट में। आप ये मत सोचिए कि आपकी बेटी सुरक्षित है, किसी की भी बेटी इस देश में सुरक्षित नहीं है। तो आप प्लीज़ रेपिस्ट का साथ मत दीजिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मेरी इस ब्लॉग में छोटे बच्चों की ट्रिक देती हूँ, तो आज मैं कोई ट्रिक नहीं दे रही हूँ। आज मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगी पेरेंट्स के लिए कि जब भी आपका बच्चा छोटा हो तो छोटे बचपन से ही उनको सिखाइए बैड टच और गुड टच के बारे में। एक तो जब भी बच्चे को ये पता चलेगा तो उसके साथ कोई भी अगर बैड टच कर रहा है तो वो तुरंत आके आपको बताएगा। इससे आप देख लेना कि बच्चे को ये पता चल जाएगा कि हाँ मेरे साथ कौन सा अच्छा व्यवहार कर रहे हैं कौन लोग और कौन बुरा कर रहे हैं। कभी कभी बच्चों को ये नॉलेज ही नहीं होती है कि हमारे साथ गलत क्या चीज़ हो रहा है, समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वो छोटे से मासूम होते हैं। तो अगर उनको हम बैठा के एज ए पेरेंट्स उनको बताएंगे, बेटा ये आपका बैड टच होता है, अगर यहाँ पर कोई टच करे तो आप उसका तुरंत ही विरोध करो, और आपका गुड टच कौन सा, बैड टच, इसलिए आप लोग ज़रूर बताइए अपने बच्चों को। आप पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों के साथ हमेशा फ्रेंडली रहिए, ताकि बच्चा बेहिचक जो भी आपके साथ हो रहा है आपको बता सके। इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई भी शर्म की बात नहीं है, बिल्कुल फ्रेंडली बच्चों के साथ रहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरा सिर्फ यही संदेश है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक मेरा ये संदेश जा सके। एज ए यूट्यूबर होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को ये संदेश
ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इस बारे में नॉलेज दे सकूँ। और मैं भी एक माँ हूँ तो मैं चाहती हूँ ये हर माँ को ये संदेश मेरा जाना ही चाहिए और मिलना ही चाहिए इस समाज को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।